एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के, उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार हरियाणा पुलिस और किसान आमने सामने, आप देखिए लगातार यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान यहाँ पर लगातार हरियाणा पुलिस के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए, जहाँ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आमने सामने हैं। देखिए एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के, उनको गीली बोरियों से हटाकर यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं।